हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रूम विद गृहिणी। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का बहुत ही हल्का और हेल्दी नाश्ता, जिसमें हम बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ढेर सारी हरी सब्जियों का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा एकदम हेल्दी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगी सूजी। तो हम लेंगे एक बाउल में एक कटोरी सूजी और उसी कटोरी से आधी कटोरी दही। एक कटोरी सूजी और आधी कटोरी दही और आधी कटोरी पानी जाएगा इसमें। दोस्तों, मैंने बारीक वाली सूजी लिया है, आप लोग चाहे तो मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। अब इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रहने पाए, खूब अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से रहना चाहिए, इतना पतला। ये घोल तैयार है, इसको हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। जब तक ये सेट होगा तब तक हम सब्जियां तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक शिमला, एक प्याज और एक टमाटर और एक हरी मिर्च लिया है। अब इन सब्जियों को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज, टमाटर, शिमला सब मैंने एक एक लिया है। ये देखिए, हमारी सारी सब्जियां कट कर तैयार हो चुकी हैं और आधा घंटा हो चुका दोस्तों। तो हमारा जो ये बटर था ये भी तैयार हो चुका है, सेट हो चुका है एकदम। देख लेते हैं, थोड़ा थिक हो चुका है ये। इसमें हम जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे सारी सब्जियां जो मैंने कट कर कर रखी थी, सारी सब्जियां इसमें हम डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों, आप लोग अपने पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हो और जो ना पसंद हो उसको स्किप कर सकते हो। अब जाएगा इसमें नमक। फिर इसको हम और ज़्यादा थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा एक तड़का लगाएंगे। तड़के में जो है राई जाएगी और बहुत थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी कड़ी लीव, ये सब डाल के हम फिर इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। दोस्तों, आप लोग चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन हमने इसमें कोई मसाला यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे इसको एकदम हेल्दी बनाना है। दोस्तों, अब हम इस बटर को आधा निकाल देंगे कटोरी में, और क्योंकि मुझे इसमें इनो मिक्स करना है तो आधी कटोरी आधा कर लेंगे। तो आधे में हम इनो डालेंगे, ये सैसे इनो का, इसमें से आधा डालेंगे हम इसमें और आधा जब वो वाला बाउल यूज़ करेंगे फिर उसमें डालेंगे। डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद तुरंत हमको इसको अपने पैन में डालना है। खूब अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब चलिए इसको अपने पैन में हम डालते हैं। एक एक पहले इस पैन में हमको जो है ऑयल लगाना है। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तब भी चिपकेगा नहीं, तो हम ऑयल लगा चुके हैं। अब एक एक चम्मच इसमें इसको डालना है। दोस्तों, पूरा भर के सांचा नहीं डालना है इसमें, थोड़ा थोड़ा खाली रखना है, नहीं तो क्योंकि ये फूलता है ना, जब फूलेगा तो फिर बाहर निकल जाएगा। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख दिए थे, 5 मिनट हो चुका है दोस्तों। देखिए, तैयार हो चुका, नीचे एक तरफ तैयार हो चुका है, इसको हम पलट देंगे। दोस्तों, 5 मिनट ढके थे, 5 मिनट में ये एक तरफ तैयार हो चुका है, इसको हम पलट के फिर से जो है ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए। ऊपर से थोड़ा तेल भी लगा देंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तेल लगाना है। उसके बाद ढक के इसको 3-4 मिनट के लिए फिर से रखना है, फिर खोल के देखेंगे पूरा तैयार हो चुका है हमारा। आप पे ये देखिए, तैयार हो चुका। अब इसको जो है हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका। अब वही प्रोसेस फिर से करेंगे, तेल लगाएंगे और एक एक चम्मच सारे सांचे में डालेंगे। दोस्तों, खाली एक एक चम्मच डालना रहता है क्योंकि ये जो है फूलेगा ना तो इसके जगह मिलनी चाहिए। ये देखिए, हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब पे मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप लोग चाहें तो हरी चटनी भी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये। दोस्तों, आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम इसको आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए कैसा लग रहा है ये। बाहर से बहुत अच्छा और अंदर से भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।